हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में बात करने वाले हम 1% TDS जो लगने वाला है वो किस तरीके से अप्लाई होगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे, तो आज की वीडियो में मैं आपको लाइव एक्सचेंज पे ले जाके ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा और वहाँ पर दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से पता लगेगा कि कितना TDS लग रहा है। पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कि फ़ीस कितनी परसेंट लग रही है, TDS कितना लग रहा है, एक्सचेंज की फ़ी कितनी लग रही है। लाइव आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट सेल करके दिखाऊंगा मैं वहाँ पर, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको डिटेल में समझ में आएगा कि ये क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। और जैसा कि गाइडलाइंस में लिखा है कि 1% टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, और जो इंडियन एक्सचेंजेस में है उन पे सीधा आपका 1% जो टैक्स है जब आप सेल करेंगे अपने एसेट को, जबकि बाय करेंगे तब भी लगेगा। अगर क्रिप्टो टू क्रिप्टो कर रहे हो, यानी USDT टू आप किसी अदर कॉइन में कर रहे हो, या फिर आप क्रिप्टो टू INR कर रहे हो, तो सिर्फ सेल के टाइम पे लगेगा। आप सीधा मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग फ़ोन पर ट्रेड करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और फ़ोन की स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है और वहाँ पर कहाँ लग रहा है TDS, कहाँ पर शो करेगा आप। तो दोस्तों, आपको अपने एक्सचेंज पे आ जाना है और अपने फंड पर जाना है जहाँ पर आपके पास टोकन है, और इन मेरे केस में देखोगे तो कुछ टोकन मेरे पास हैं। कुछ यहाँ पर मैं पुश पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देखेंगे एक्सचेंज पे जाना है मुझे। अब पुश USDT में मुझको सेल करना है, तो मैं यहाँ पर आके USDT में सेल करूँगा, और यहाँ पर बाय सेल पे जाने के बाद मुझे सेल करना है। अभी हाईएस्ट प्राइस पे क्लिक कर दूंगा मैं। हाईएस्ट प्राइस का मतलब ये होगा कि जो लास्ट मतलब हाईएस्ट प्राइस रहेंगे उस पे यहाँ पे ये आके सेल होगा। तो ये अभी कम चल रहा है, मैं इसको जो है ज़्यादा कर देता हूँ। यहाँ पे 34.89 के आसपास चल रहा है, या आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। तो अभी देखेंगे 34.89 के आसपास चल रहा है और मुझे आना है यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे 100% मैंने सेल कर देना है सारा, जितना भी आप सेल करना चाहें उतना कर सकते हो। मैं पूरा 100% पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे। अभी ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है यहाँ पर देखने वाली। आप देखो कि $110 के अमाउंट के ये बराबर बने, मगर यहाँ पर 109.77 आसपास मुझे लग रहा है, जबकि इतना नहीं लगना चाहिए। ये लग रहा है मेरे TDS की वजह से। यहाँ पर देखेंगे फी में आपको दिख रहा होगा मेकर 0.2 और टेकर 0.2 और TDS 1% पूरा लग रहा है, और यहाँ पे बता रहे हैं कि सारे टैक्सेस जो हैं सब इंक्लूड करके यहाँ पर इन्होंने बताया। यहाँ पे अगर आप क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेडिंग फी में यहाँ पर आके देखेंगे ये 1% से लेके 5% तक आपको यहाँ पर लग जाएगा। खैर, और यहाँ पर आप एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपको और आएगा 1 जुलाई से, जो बताया इन्होंने कि 1% से लेके 5% तक लग सकता है, 5% इन एक्सेप्शनल केसेस। अब ये कौन से एक्सेप्शनल केसेस होंगे ये हम बाद में बात कर लेंगे, और 1% आपको यहाँ पर अभी लगेगा। यानी कि एक्सचेंज को जिस टाइम पर आप ट्रेड को सेल करोगे उसी टाइम पे देखो 1% यहाँ पर लग जाएगा। हालांकि इसको आप बाद में क्लेम कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आप इसको बाद में क्लेम कर सकते हैं जब आप इसके ITR भरेंगे, और आपको बस कंफर्म कर देना और आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। 1% TDS ऑलरेडी कट जाएगा आपका। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों EPNS के बारे में, यानी कि इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस के बारे में। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एक नोटिफिकेशन सर्विस है Web3 के अंदर। लेट्स से कि आपको कोई डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लगाई है, वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको नोटिफिकेशन के लिए अभी तक कोई सर्विस नहीं है, बट EPNS ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। या फिर Web3 के अंदर आपकी जितनी भी चाहे आपने कोई NFT लिस्ट कर रखी हो या कोई बिडिंग चल रही हो, तो उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन के लिए कोई सर्विस नहीं है, बट यहाँ पर भी EPNS आपके काम आएगा। यानी कि Web3 में आप जहाँ भी आप सोच सकते हैं वहाँ पर नोटिफिकेशन की सर्विसेज को ये अलाउ कर देगा आपके पास, और जितने भी नोटिफिकेशन होंगे आपसे वॉलेट से रिलेटेड, आपके वॉलेट से जब ये कनेक्ट करेंगे आप EPNS को, तो वो सारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपकी तरफ डायरेक्टेड कर देगा EPNS। और यहाँ पर आपको बस इनको अपने मतलब अपने वॉलेट को इनके ऐप से कनेक्ट करना है, और यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज आप चाहते हैं कि कहीं से नोटिफिकेशन आए, या आप चाहते हैं कहीं से ना भी आए, वो भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। और अभी भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है और कोई क्वेरी करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में EPNS की वेबसाइट का लिंक भी है, और अभी नीचे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है वहाँ पर हम जवाब जरूर देंगे आपका। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से 1% TDS आप चेक कर सकते हैं कि कितना कितना परसेंटेज कट रहा है और कब कट रहा है, कहाँ कट रहा है, इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ करके। और आपका कोई डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, नीचे बहुत सारे मैंने हैंडल्स दे रखे हैं जहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।